अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.7। ठीक है, और एक्सरसाइज 8.7 में हमारे पास क्या है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इनको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। ठीक है, हम अब देखें हमारे पास जो फार्मूला इन क्वेश्चन में हमारे पास इन एक्सरसाइज में फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा फैक्टर्स बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने हमें ये चीज़ दी हुई है, देखिए। ठीक है, अब हमने ये चीज़ लेके आनी है। ठीक है, फार्मूला की दो साइड्स होती हैं, एक उन्होंने हमें गिवन दी होती है, एक को हमने फाइंड करना होता है, हमने खुद से मतलब लिखनी होती है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले इस चीज़ में हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ए का अब सिंपल ये है कि हमारे पास देखें फार्मूला है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये ए है हमारे पास, ठीक है, ये ए है हमारे पास और ये बी है हमारे पास। ठीक है, अब फार्मूला है हमारे पास ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है x और b के हमारे पास 16 है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर हमने लिखा x का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 a हमारे पास क्या है x, b क्या है 8। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए, नहीं सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये 4 है, क्या है 4, आप लोगों ने यहाँ 4 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आता है क्योंकि b हमारे पास क्या है 4 है ना, तो b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर में सॉल्व करेंगे। अब इस सिचुएशन में लेके आना है, इसमें लेके आना है, तो क्या लिखेंगे, हमारे पास a क्या है x, हमने x लिखा, और b हमारे पास क्या है 4, तो 4 लिखा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ गिवन हो तो इसमें लेके आते हैं, और ये चीज़ गिवन हो तो इसमें लेके आते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ थी, हमारा आंसर इसमें आ गया। ठीक है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 36x का स्क्वायर प्लस 108xy प्लस 81y का स्क्वायर। 36a और लास्ट हमारे पास b है। आप देखना है हमारे पास फार्मूला क्या है, ये चीज़। ठीक है, अब a का स्क्वायर, अब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ठीक है, 6x का होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, x भी हमारे पास, और 81 किसका है, 9 का, 9y का होल स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है, हमें अपने a भी फाइंड कर लिए हैं, 6x एंड 9y। ठीक है, आप देखें a हमने क्या लिखा, ए का स्क्वायर 6x का स्क्वायर, बी क्या है 9y का स्क्वायर, प्लस 2, ये फार्मूले वाला 2, ए हमारे पास क्या है 6x और बी क्या है 9y, तो हमने एज इट इज़ उसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हमने उसको अपनी फार्मूला को क्लोज करने वाली शेप में लेके आना है। ये देखें ए क्या है हमारे पास 6x और बी क्या है हमारे पास 9y। ठीक है, 6x प्लस 9y। अब एक और चीज़ देखें, ये 108 था ना मिड में, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 108 टू 6 जार 12, 12 9 जार 108xy। ठीक है, लेकिन a और b लिखना है, 6x प्लस 9y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें, 11x का स्क्वायर प्लस 22x प्लस 11। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हमारे पास है, 11 है, ठीक है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। ठीक है, 11 हमारे पास किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक और चीज़ है, इन सब में कॉमन है 11 है हमारे पास। ठीक है, इन तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 11, तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है हमारे पास हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, देखें इन तीनों में से 11 बाहर आ गया, 11 ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 11 2 ज़ार 22 2, एक्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस 11 1 ज़ार 11,
ठीक है, ये हमने 11 कॉमन था बाहर निकाल दिया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको उस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, जो हमारे पास अंदर है, कॉमन जो निकाल दिया वो बाहर अब उसको नहीं करेंगे, ठीक है। ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास है, 1 का स्क्वायर करें 1 1 जा 1, ठीक है, एक्स का स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर बी, प्लस 2ab, ए हमारे पास है एक्स, बी हमारे पास है 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया, हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है। देखिए आप वो 11 एज इट इज हमने लिख देना है एक्स। अब हमारे पास है 4, 44 a की 4 माइनस 44 a का क्यूब b, प्लस 11 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब इसमें भी अगेन हमारे पास कॉमन आ रहा है, 11 के साथ साथ हर एक के पास a है, ठीक है, और a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट वाले के पास a का स्क्वायर है, ठीक है। 11 a का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 11 फोर जा 44, ए फोर था, 2a बाहर चले गए, 2a अंदर आएंगे, ठीक है। अब 11 फोर जा 44, ए क्यूब है यहाँ पे, 2a बाहर चले गए, 1 रह गया, b हमने लिख दिया क्योंकि b हमने बाहर लिए ही नहीं है। लास्ट है प्लस 11 a बाहर चला गया, 11 a का स्क्वायर, ठीक है, बाकी रिमेनिंग हमारे पास b बच गया, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको हमने क्या लिखना है, फार्मूला में पुट करना है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और b स्क्वायर है, b का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b आ जाता है, 2a माइनस b। अब यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगना है, 2a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ बताती हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, वो 4 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 लेकर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 2 2 4 हमारे पास, इन चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 2 4, तो ये हमारे पास कॉमन एज इट इज़ लिख देंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आप लोग ईजीली कर सकें, ठीक है, लेकिन फार्मूलाज को हम क्वेश्चन को आपस में मिक्स नहीं करना, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके पास वो आप लोगों ने खुद करने, ठीक है, इसके 16 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन नहीं करवा रही, सिर्फ यही पार्ट्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं।